हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की बात कही। पिछले लगभग एक साल से किसानों द्वारा इस बिल को वापस लेने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि अभी भी किसानों का कहना है कि जब तक संसद से बिल पास नहीं होते तब तक सड़कों पर जमे रहेंगे। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सुधार की दृष्टि से तीन कृषि कानून लेकर आए थे। आज जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, वैसे ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री सांसद के साथ आम जनता की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कई मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरभूमि महोबा में 32,74,000 रुपए लागत की परियोजना का लोकार्पण करने के साथ बुंदेलखंड को कई उपहार दिए। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पूर्व में शामिल होने के लिए झांसी जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को दावा किया है कि नक्सली गतिविधियां पूर्वी महाराष्ट्र के दूरदराज के इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के बड़े शहरों में शहरी नक्सलीकरण भी देखा जा रहा है। पवार राज्य के गढ़चिरौली जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मिलिंद तेलतुंबड़े के साथ 27 नक्सली मारे गए थे। क्रिकेट कार्ड में गड़बड़ी के साथ आईटीआई बॉम्बे में दाखिल लेने की चूके दलित समुदाय के एक छात्र की मदद के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोर्ट को कभी कभी कानून के दायरे से ऊपर उठना चाहिए, क्या पता अगले 10 साल बाद ये छात्र हमारे देश का नेता बने। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग ने गुरुवार देर रात अलर्ट जारी किया था। इसके अनुसार राज्य के कई जिलों में बारिश होने की आशंका जताई गई थी। मौसम विभाग के अनुसार तिरुकुवल्लूर, कांचीपुरम, चेन्नई और चेंगलपट्टू जिले में बारिश होने की संभावना है। आगरा की धरती सिख गुरु की चरण रज से धन्य हुई है। गुरु ने यहीं से त्याग का संदेश दिया और सिख धर्म का प्रचार किया। गुरुओं के प्रताप से यहाँ का सिख समाज संपूर्ण देश में साहस और उद्यमिता का संदेश देता है। वहीं आगरा की धरती पर पड़े हैं सिख गुरुओं के चरण। भारत में कोरोना वायरस से जंग अभी भी जारी है। वहीं शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 11,106 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जबकि 12,779 लोग ठीक हुए हैं। वहीं देश में एक दिन में 459 लोगों की मौत हुई है। विदेश गए नागरिकों द्वारा धन अपने घर भेजे जाने के मामले में भारत दुनिया भर में पहले स्थान पर है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारतीयों ने $87 अरब यानी 6,52,500 करोड़ रुपए भारत भेजे। इसमें से 20% से अधिक राशि अमेरिका से भेजी गई है। ताइवान ने चीन की धमकियों का करारा जवाब दिया है। उसने अपनी रक्षा शक्ति बढ़ाते हुए वायुसेना में उन्नत F-60V लड़ाकू विमानों को तैयार किया है। चीन स्वशासित द्वीप ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने गुरुवार को चियाई सैन्य बेस पर वायुसेना के 64 उन्नत F-60 लड़ाकू विमानों में शामिल कराया। ये विमान ताइवान के कुल 141 F-60AB लड़ाकू विमानों का हिस्सा है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।